स्वागत है आप सभी का दर्शकों। इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे सावित्री बाई फुले जी की, क्योंकि आज उनकी जयंती है। और देखा जाए तो एक बहुत ही कम समय था वो, जबकि वो 1831 में वो पैदा होती हैं और 1848 में वो महिलाओं को यानी कि बालिकाओं को शिक्षा देने लगती हैं। इससे पहले शिक्षा देने, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए उस दौर के इतिहास में या उसके पहले के इतिहास में कोई नजर नहीं आता, किसी का कहीं पर कोई इस प्रकार का जिक्र नहीं है इतिहास में। फिर भी हम अगर देखते हैं तो विद्या की देवी कोई और है और पढ़ा कोई और रहा है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। वो ऐसा दौर था जब मनुस्मृति का दौर था और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं को शिक्षा से अलग रहना चाहिए और महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आज इस पर बात करेंगे और तब से अब तक क्या बदला है और जैसा कि सावित्रीबाई फुले चाहती थी क्या वैसा भारत बना है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। दिल्ली से हमारे बीच हैं शालिनी जी, जय और जो भीम। कि खुद एक कवित्री है, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त हैं कोलकाता से डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जो कि प्रोफेसर हैं। हम आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सुनील जी, आप बताएं कि किस तरह से आप देखते हैं कि कितना हम उस दौर को देखें या अभी के दौर को भी देखते हैं, तो वो समय था जब शिक्षा का कोई अधिकार था ही नहीं, एक तरह से प्रतिबंध था महिलाओं को, और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर वो द्वार खोला। लेकिन तब से आज तक क्या आपको लगता है कि जनमानस या भारतीय समाज जो है उसकी सोच में कहीं पर बदलाव आया है? जी देखिए, जिस समय सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोलने की बात सोची थी, तो वो स्कूल स्कूल खोलना या तालीम देना, तालीम को आगे बढ़ाना, तालीम या शिक्षा जो है होती तो व्यक्तिगत चीज है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ी होती है, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं होती है। क्योंकि एक व्यक्ति की जो मुक्ति है, एक व्यक्ति की के अंदर जो समझदारी या उसके अंदर जो चेतना आती है, उससे उसका पूरा परिवार, उसका समाज और इसका संबंध पूरे देश से है। तो सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाकर केवल उनके व्यक्तिगत जो है वो जीवन को बेहतर नहीं करना चाहती थी, बल्कि परिवार, समाज और पूरे देश को स्वस्थ और चेतनाशील बनाना चाहती थी। ये सबसे बड़ा योगदान है जो इस रूप में हम नहीं उनको देखते हैं। दूसरी जो चीज है, उस जमाने में ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत क्रांतिकारी कदम था ये। खास बात इसमें यह है कि सावित्रीबाई ने या उनके साथ फातिमा शेख, इन लोगों ने मिलके ऐसा कोई स्कूल नहीं खोला जिसमें निम्न वर्ग की लड़कियां या मुस्लिम समाज की लड़कियां या दलित पिछड़े वर्ग की ही लड़कियां ही पढ़ेंगी। इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोले। और आपको पता है, हम सबको पता है कि उस समय जो सवर्ण समाज के लोग थे, खासकर से जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने काफी विरोध किया और बहुत ज्यादा इसको उनके स्कूल को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। यानी वो नहीं चाहता था, वो तबका नहीं चाहता था कि लड़कियां पढ़े लिखे, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ, उनके जो पूरे संस्कार थे, उनकी जो पूरी परंपरा थी, वो ऐसी ही थी। पूरे बहुजन महापुरुषों को अगर हम देखेंगे तो कोई भी बहुजन महापुरुष ऐसा नहीं है जो केवल जाति की मुक्ति की बात करता है। सावित्रीबाई भी वो जेंडर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर केवल जाति की मुक्ति की बात कर रहा है तो वो जेंडर मुक्ति की बात कर रहा है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, किसी तरह का भी शोषण हो, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, संप्रदाय हो या जेंडर हो, नस्ल हो, इस आधार पर जितने तरह के भेदभाव, उन सब के भेदभाव की बात हमारे बहुजन महापुरुष करते रहे। सावित्रीबाई फुले भी उनमें से एक थी। चूंकि एक बहुत बड़ा तबका लड़कियों का है, महिलाओं का है, चूंकि सबके घर, सबके जीवन से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, बगैर महिला के किसी का जीवन नहीं है, उनको मुक्त करना, उनको गुलामी से मुक्त करना, उनको सही रास्ते पर ले जाना, ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी बात थी। और सावित्रीबाई फुले केवल उनको डिग्री दिलाने वाली शिक्षा नहीं दिलाना चाहती थी। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सावित्री का जो जो का जो वो जो तालीम की जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने शुरुआत की, वो चेतना जगाने वाली थी। क्योंकि आज की शिक्षा क्या है, आज की शिक्षा जो है डिग्री दिलाने वाली है, नौकरी दिलाने वाली है। इसलिए बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं पढ़ने के बाद भी, नौकरी में आने के बाद भी, अभी भी वो पितृसत्तात्मकता को आगे बढ़ा रही है। सोच को नहीं क्योंकि बदल लड़कियां पाती। भी हैं, लड़कियां भी जातिवादी है इस समाज में, लड़कियां भी सांप्रदायिक है। अगर वो सच में चेतनाशील शिक्षा उन्हें मिली होती तो उनके अंदर कास्ट, रेस, जेंडर, इस सब को लेके जो अंदर जो एक एक, एक तरह से भेदभाव की जो भावना है, वो चीज नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि सावित्रीबाई फुले जिस तरह का सपना देख रही थी, जो जो परिकल्पना लेके उन्होंने शुरुआत की थी,
बदलाव तो आया है उसमें, बहुत सारा बदलाव आया है, काफी सारे चेंजेज आए हैं और संविधान भी बना उसमें कहीं ना कहीं, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर उसको एक तरह से लीड कर रहे थे तो उसमें सावित्रीबाई फुले का असर है। इसलिए आप देखेंगे बाबा साहब बार बार महिला मुक्ति को लेकर बहुत खास तौर से प्रतिबद्धता अपनी दिखाते हैं। मेरा मानना है कि ये सावित्रीबाई फुले की परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जाहिर है कि संविधान लागू होने के बाद भी वो जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी महिलाओं को, या महिलाओं के जीवन में या उनके परिवार में या समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो शिक्षा आज की नहीं ऐसा दे रही है, ये सावित्री वाली शिक्षा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सुन लेते हैं इसमें शालिनी जी क्या कह रही हैं, उनसे सुनते हैं। सावित्री बाई फुले का नाम सुनते ही जो सबसे पहली तस्वीर जहन में उभरती है वो है आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका की। सावित्री बाई फुले ने ना केवल महिला शिक्षा के महत्व को समझा बल्कि महिला शिक्षा के मार्ग को अपनी अगुवाई में और ज़्यादा सुगम किया। 1 जनवरी 1848 को अपने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग से उन्होंने पहला महिला विद्यालय खोला और ये विद्यालय सभी धर्म जाति संप्रदाय की महिलाओं के लिए खोला गया था, जिसमें आके कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस तरीके से ना उन्होंने केवल महिला शिक्षा का रास्ता सुगम किया बल्कि महिलाओं की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज भारत उनकी शिक्षाओं को लेकर आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें अभी बहुत काम करना और बाकी है। एक बात तो है कि जब जब महिलाओं ने किसी भी तरह से आज़ादी की बात कही है या शिक्षा की या बराबरी के हक की बात होती है तो विरोध तो होता है समाज में, आज भी विरोध है। उस वक्त अगर जो पढ़ाने जाने वाली सावित्री के ऊपर गोबर या कीचड़ फेंका जाता था तो आज भी लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के बहुत सारे उपाय तो किए जाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें तो शिक्षा संस्थानों में जो असुरक्षा की भावना, हम चाहे लाखों बार कहें कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बचाने की स्थितियां सरकारी तौर पर उतनी पुख्ता नजर नहीं आती जितनी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जहां एक पुरुष शिक्षित होता है वहां केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जहां एक महिला शिक्षित होती है वहां पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के लिए तो अच्छा है लेकिन बेटियों का पढ़ने के साथ साथ उनका बचे रहना भी उतना ही जरूरी है। एक्चुअली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अपनी अपनी बेटियों को बचाओ क्योंकि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं वहां बेटियों को तो पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं। तो ये लोग यहाँ के भारत के माता पिता से कह रहे थे कि अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, और मैं भी इस बात को कह रहा कि जब तक इस तरह की विचारधारा की सरकार है अपनी अपनी बेटियों को बचाइए, वरना आप देखेंगे किस तरह से तेजी में, खासतौर से उत्तर प्रदेश का अगर हाल देखें तो कैसे बलात्कार प्रदेश बना हुआ है। तो एक जो ये क्या है, ये अचानक नहीं है, ये पूरी परंपरा है, एक विचारधारा है जो इस विचारधारा में बेटियां फिट नहीं होती हैं, इस विचारधारा में महिलाओं की मुक्ति जो है वो समाती नहीं है। इसलिए आज भी सावित्रीबाई फुले के विरोधी लोग हैं जो उन समय जिन्होंने स्कूल भाई तेजाब फेंकने की घटना हो या स्कूल कॉलेज के आसपास छेड़खानी करने वाले मंचलों की जो भीड़ हो, तो ये कहां से आता है, ये अचानक नहीं होता है, या बलात्कार की जो एक तरह से जो कुवृत्ति है, जिस तरह से मानसिकता है या छेड़खानी की जो मानसिकता है, ये सवाल पूरी मेंटालिटी का है, सवाल मानसिकता का है। जो जेंडर को लेके जो एक मानसिकता बनी हुई है उसमें बहुत सारा योगदान हमारे अपने धर्म ग्रंथों का है, बहुत सारे जो पुराने हमारे जो इस देश में जो सड़ी गली मान्यताएं रही हैं जिन्होंने इसको और पुष्ट किया है। और आज भी आप देखेंगे बहुत सारे मुख्यमंत्री हो बहुत सारे सांसद हो, कोई कहता है कि वो चाउमीन खाने से छेड़खानी होती है, कोई कहता है जींस पहनने से होती है, कोई कहता है मोबाइल रखने से होती है। ये ऐसा नहीं कि अचानक ये लोग बोलते हैं, ये लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं क्योंकि इनको अपनी विचारधारा को थोपना है और उस विचारधारा में महिला मुक्ति नहीं समाएगा, उस विचारधारा में बेटियां सुरक्षित नहीं रख सकती। कहने को तो आज हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर आज भी सामंतवादी सोच रखता है। जहां महिलाएं संविधान का सहारा लेकर एक एक पादान ऊपर चढ़ रही हैं सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, वहीं महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज की कुंठा भी प्रतिदिन सामने आती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण होने वाले महिलाओं के प्रति आए दिन अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार,
जी। और हम अगर देखते भी हैं तो दरअसल सामाजिक सोच में या फिर जिस तरह से इतिहास को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, इतिहास को जितना बेहतर तरीके से समझाया जाना चाहिए था या वास्तविक इतिहास जो बताया जाना चाहिए था वो नहीं पता है ना। क्योंकि आज भी अगर किसी लड़की से आप पूछें कि जो शिक्षा की देवी कौन है, तो वो सीधा सा सीधा तुरंत जो नाम दिखाई दे सुनाई देगा वो तो सीधे सरस्वती होगा, सावित्री कभी नहीं हुए, जबकि सावित्री ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला है। तो हम ये देखिए, इतिहास हाँ जी बोले। जी, मेरा ये कहना, अभी आप बच्चियों को छोड़ दीजिए, इसकी वो देवी किसको बता, जो फेमिनिस्ट है यहाँ की, जो महिलाएं लिखती हैं, जो बोलती हैं, जो अच्छे खासे नाम है, आज से 5 साल 10 साल पहले यही लोग सावित्री बाई फुले का नाम नहीं लेती थी। ये वाकई तो अब धीरे धीरे चलन में शुरू, आज की तारीख में भी, आज 3 जनवरी अगर रात तक हम देखें कितने न्यूज चैनल, बहुत सारी महिलाएं जो एंकर है वहां पे, जो चीखती चिल्लाती हैं, जो सांप्रदायिकता का जहर फैला रही हैं, सही बात लेकिन है। उनको भी नहीं पता होगा कि ये सावित्री बाई फुले कौन है, ना कोई चैनल इसको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अनायास है, मैं फिर बात कोई कहूंगा, ये सब कुछ जानबूझ के है, क्योंकि सावित्री आएंगी तो चेतना आएगी, सावित्री आएंगी तो ज्ञान की जो है ज्योति जलेगी, और यही नहीं करना है हमें, चेतना को खत्म करना है हमें, ज्ञान को कुंद करना, इसलिए पूरा जो सेटअप है पढ़ाई लिखाई का, जो एकेडमिक सेटअप है, ये सबको जड़ बनाने की कोशिश है, क्योंकि जड़ता रहेगी तो वैज्ञानिक चेतना इससे दूर रहेगी। तो ये सावित्री वाली जो है तालीम व्यवस्था नहीं है, यही कारण है कि अगर कोई विद्या की देवी को किसी खास जो है तरह से जो रूढ़ एक, एक एक नाम है उससे जुड़ेगा, इसका नतीजा रहेगा कि आप चेतना से दूर रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई देवी देवता तो विद्या देता नहीं है, किसी देवी देवता के चलते विद्या नहीं मिलती है, विद्या तो किताब से और टीचर से और स्कूल से और पढ़ाई लिखाई से मिलती है, जी जी और जो जी हमारे इतिहास से जो परंपराएं आई है, इतिहास के जो हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, उनके जीवन से हमें सीखने के बाद चेतना आती है, उससे शिक्षा मिलती है। तो विद्या जो है किसी देवी देवता से जुड़ी हुई चीज नहीं, ये फर्जी मामला है। जैसे धन को भी हमने जोड़ा किसी, अरे धन जो है देवी से ही मिलती है, तो भारत इतना गरीब ही नहीं होता, और विद्या अगर देवी से मिलती है तो हर साल नोबेल प्राइज तो हमें ही मिलता, वाकई वाकई हमारे वाकई हमारे यहाँ के जो इतने सारे मेरिट वाले लोग हैं इन्हीं को हर साल जो है विज्ञान का और साहित्य का और तमाम सारी चीजों का नोबेल प्राइज मिलता। तो देवी होने के बावजूद हम गरीब हैं, देवी होने के बावजूद हम जो है उस तरह से शिक्षा के मामले में बहुत पीछे, इसका मतलब ये कि देवी देवता से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं, और देवी देवता से एक खास जाति के रोजगार का जरूर मतलब है। मैं समझती हूँ यह एक रोचक तुलना है कि ज्ञान की देवी कौन, सावित्री बाई फूले या सरस्वती। इसकी जड़ें आपको संस्कृति में तलाशनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा भारतीय समाज शुरू से ही जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था से पूर्ण रहा है। और सवाल को यदि पलट कर पूछा जाए तो जिस आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है उसकी सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाली महिलाएं सवर्ण हैं। उन्हें क्या दिक्कत है सरस्वती की जगह सावित्री बाई फूले का नाम लेने में, जबकि वे तो शिक्षित भी हैं। नई पीढ़ी में बहुत सारी सवर्ण परिवार की भी लड़कियां आ रही हैं, जो सावित्री बाई फूले को समझ रही हैं, जो जी जी फातिमा जी शेख को जान रही हैं, और वो इस परचम को अगर लेकर जाएंगी, और इसमें अच्छी बात है कि चूंकि अंबेडकरिज्म की सबसे खास बात यही है, या आदिवासियत की सबसे खास बात यही है कि वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर चलता है, वो केवल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर नहीं लड़ता है, वाकई वो वाकई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर समान रूप से लड़ता है। तो ये सावित्री की लिगेसी है, ये सावित्री की विरासत है, जिसको लड़कियों को भी बचाने की जरूरत है और लड़कों को भी बचाने की जरूरत है, पुरुषों को भी बचाने की जरूरत है, तभी जो है वो जो सपना उनका था जिस तरह का, वो जी सच जी हो जी पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और चलते चलते हम शालिनी जी से सुन लेते हैं कि आखिर जो है किस तरह से हम उनके भारत को देखते हैं जो उनका सपना था। एक बात तो और भी है कि जब हम ऐसा ऐसे किसी काम करने वाले को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो उससे भी उनका मान बढ़ता है और एक तरह से लोगों को पता भी चलता है। लेकिन आज तक सावित्री बाई फुले के नाम से किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार जाहिर नहीं होना या उनके उनको ही खुद को पुरस्कार उनके लिए जाहिर नहीं किया जाना, ये सचमुच में भारत के लिए तो एक अजीब सी स्थिति भी है, हम इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। सावित्री बाई फूले ने एक वैज्ञानिक महिला समाज का सपना देखा था। शिक्षा उनके लिए कर्म कांडों और जड़ता से मुक्ति पाने का साधन भी थी, लेकिन आज की आधुनिक महिलाओं ने अपने आप को कर्म कांडों, दुनिया भर के तीज व्रत त्योहारों के बीच इतना उलझा रखा है कि शिक्षा का महत्व उनके लिए गौण हो चला है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक किसी महिला को हमारे भारतीय समाज ने
भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। स्त्री शिक्षा का अलग जगाने वाली सावित्री बाई फूले क्या भारत रत्न के लिए पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त कर सकती हैं? क्यों शिक्षित महिलाओं को, खासकर सवर्ण महिलाओं को, उनका नाम सम्मान से तो लेना छोड़िए, लेना तक पसंद नहीं करती हैं? अभी इस नज़रिए से यदि देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में बहुत काम होना बाकी है। ऐसा अगर किया जाता तो निश्चित रूप से शायद आज की पीढ़ी को ये बात समझ में आती कि किसने किसके लिए क्या किया है। खैर, इसको याद रखें या न रखें, आज अगर महिला शिक्षित है तो निश्चित रूप से सावित्री की वजह से है। जो भी महिलाएं सामने आ रही हैं वो उनकी वजह से है। आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।